नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज अपडेट। ट्रेड वॉर को खत्म कर भले ही चीन और अमेरिका एक बार फिर साथ साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन में अब अमेरिकी कंपनियों के लिए काम करने वाला माहौल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यही कारण है कि 200 से ज़्यादा अमेरिकी कंपनियाँ जल्द ही चीन से भारत शिफ्ट होना चाहती हैं। अमेरिकी कंपनियों की हड़बड़ाहट इसी बात से देखी जा सकती है कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने कहा है कि भारत के आम चुनावों के परिणाम आते ही अमेरिकी कंपनियां भारत शिफ्ट होना शुरू कर देंगी। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के चेयरमैन मुकेश अघी ने कहा कि कई कंपनियां उनसे बात कर रही हैं और पूछ रही हैं कि भारत में निवेश कर किस तरह से चीन का विकल्प तैयार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रुप नई सरकार को सुधारों को तेज करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का सुझाव देगा। एक मीडिया हाउस से एक इंटरव्यू में अघी ने कहा, मुझे लगता है कि यह संवेदनशील है। हम प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने और 12 से 18 महीने में इसे अधिक परामर्श योग्य बनाने का सुझाव देंगे। हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स डेटा का लोकल स्टोरेज जैसे फैसले को अमेरिकी कंपनियां स्थानीय कारक न मानकर अंतरराष्ट्रीय कारक मान रही हैं। यह पूछे जाने पर कि निवेश आकर्षित करने के लिए नई सरकार को क्या करना चाहिए, अघी ने कहा कि नई सरकार को सुधार की गति तेज करनी चाहिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी चाहिए और अधिक पक्षों के साथ परामर्श पर जोर देना चाहिए। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौते की भी पैरवी की। दोस्तों, खबर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।